खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीवी। पत्रकारों पर हमला करना लोकतंत्र का हनन है। गंगाराम यादव डिप्टी चेयरमैन भारतीय मीडिया फाउंडेशन उत्तर प्रदेश। भारतीय मीडिया फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के दर्जनों पत्रकारों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। पत्रकार सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग की गई, जिसके संबंध में दर्जनों पत्रकारों ने शिरौली कस्बे के कमल तिराहे पर तहसील मुख्यालय तक प्रदर्शन किया तथा पैदल कूच कर पत्रकार जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पत्रकारों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। बताते चले, बीते दिनों जनपद बलिया के जिलाधिकारी द्वारा एक पत्रकार पर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया गया था, जिसको लेकर भारतीय मीडिया फाउंडेशन के पत्रकारों में काफी रोष व्याप्त है, जिसके विरोध में आज दर्जनों पत्रकारों ने कस्बे के कमल तिराहे पर प्रदर्शन किया तथा कमल तिराहे से तहसील मुख्यालय तक पैदल कूच कर बलिया जिलाधिकारी मुरादाबाद के नारे लगाए। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय पार्षद एवं डिप्टी चेयरमैन गंगाराम यादव ने बताया कि पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार व बलिया में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय मीडिया फाउंडेशन इसकी निंदा करता है। पत्रकारों पर हमला करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने जैसा है। इससे लोकतंत्र का हनन हो रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बलिया जिलाधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए तथा पत्रकारों के साथ अभद्रता करने तथा उनको जानमाल की हानि पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून बनाकर उन पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए एवं उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाए। इस मौके पर गंगाराम यादव, राजेश यादव, निर्दोष तिवारी, गुरप्रीत सिंह, गोविंद राज, ज्ञानेन्द्र कुमार, गौरव मिश्रा, अतुल तिवारी समेत दर्जनों की संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे। सिधौली से मोहित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर। आज भारतीय मीडिया फाउंडेशन द्वारा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया, मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए। ज्ञापन में किन बिंदुओं को लेकर मांग की गई है? ज्ञापन में इन बिंदुओं को मांग लेकर रखी गई है कि जैसे जो बलिया में पत्रकार के साथ अभी हाल ही में घटना हुई है, सही खबर दिखाने पर उसको प्रशासन ने जो है डीएम ने मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया है और पत्रकारों की और कई समस्याएं लगातार उनको उत्पीड़न जैसे होता रहता है। कोई धमकाता है अच्छी खबर चलाने को, उनको लोग परेशान करते हैं, दबाने प्रयास करते हैं। पुलिस है, कभी अपराधियों से मिल जाती है, पत्रकारों को सही दिखाने पर मुकदमे लिख देती है। इस तरह की घटनाएँ बराबर पत्रकारों के साथ होती रहती हैं, लोग उनके ऊपर जान माल की क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी संबंध में ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है मुख्यमंत्री नाम जी के संबोधन में कि जो है इस संबंध में कार्रवाई कराई जाए और पत्रकारों को जो उत्पीड़न हो रहा है उनकी सुरक्षा दिलाई जाए और पत्रकारों के उत्पीड़न के संबंध में कोई ठोस कानून बनाया जाए जिससे पत्रकारों को न्याय मिल सके।